एक सनसनीखेज वारदात हुई जिसमें करीब 11 बजे दिन में कोरियर कंपनी जो करीब 200 किलो चांदी लेकर अपनी गाड़ी में जा रहे थे उनके कर्मचारी, उनको कुछ बदमाशों ने अपनी गाड़ी आगे लगाकर उसमें से चांदी को और बाकी कुछ चीजों को लूटा। तत्काल एसएसपी आगरा के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया जिसमें एसपी सिटी, एएसपी और बाकी अधिकारी शामिल थे। उनके द्वारा लगातार पिछले 8 दिन में कड़ी मेहनत कर ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी इत्यादि के आधार पर इस गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और इस गैंग की जानकारी और इनको पकड़ने के लिए इन्होंने 4 स्टेट्स में इनका जानकारी प्राप्त करते हुए 4 स्टेट्स तक पहुंचे, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। कल रात को हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर 5 अपराधियों को जिनके पीछे लगे हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से इस घटना में लूटी गई करीब 137 किलो चांदी बरामद हुई है। ये 5 अपराधी, इन्होंने पूरा घटनाक्रम पूरा डिटेल अपराध करने की योजना बना रहे थे, 5 करोड़ रुपए के कैश के लूटने की योजना बना रहे थे, वो घटना भी विफल हुई है। पूरी पुलिस टीम को इस जबरदस्त काम करने के लिए 1,00,000 रुपए का रिवॉर्ड मेरी तरफ से घोषित किया जाता है। दिल्ली के आए, दिल्ली के लोग आए यहाँ पे, कौन इसमें इनका मास्टरमाइंड है, क्यों दिल्ली से आए, क्या पूरा प्लान था इनका? इसमें एक व्यक्ति, अगर आपने देखा होगा तो एक व्यक्ति जो है इसमें रामू और राम प्रकाश है, जो कि एक डेंटिस्ट की दुकान पे काम करता था और इस डेंटिस्ट की दुकान जहां पर घटनास्थल है, जहां पर एक गोडाउन है कोरियर कंपनी का, उसके बिल्कुल पास में है। उसने ही इस घटना के बारे में जानकारी अपने साथियों को और साथियों के माध्यम से बाकी गैंग के मेंबर्स को दी। इन गैंग के मेंबर्स ने यहां पर आकर 3-4 दिन रेकी की और उसके बाद इस घटना को पारित किया। बरामदगी सर क्या इस गिरोह के पास से हुई है? इसके पास से करीब 137 किलो चांदी, करीब 5 लीटर सिल्वर एडिटिव लिक्विड जो प्लास्टिक की कट्टी में था, प्लस मोबाइल, वेपन्स और वो कार होंडा अमेज जो घटना में उपयुक्त थी वो बरामद हुई। अपराधी के इतिहास से पूरे गिरोह के लोगों का क्या है सर? इसमें जो एक मुख्य अपराधी है नरेंद्र, इसके करीब 17-18 आईपीसी के मुकदमे हैं जो कि दिल्ली के मुकदमे हैं, जो कि दिल्ली में, आगरा में और भी कई जगह पर हैं। इसमें अधिकतर लूट के, डकैती के, अपहरण के मुकदमे हैं। इसी प्रकार बाकी जो राजीव सिंह है इसके ऊपर लूट के और फ्रॉड के मुकदमे हैं। रोहित ठाकुर के ऊपर लूट के और वेपन इत्यादि के मुकदमे हैं, इलीगल वेपन पोजेशन के, और देवेंद्र और रामू के ऊपर भी। इस प्रकार बाकी जो राजीव सिंह है इसके ऊपर लूट के और फ्रॉड के मुकदमे हैं। रोहित ठाकुर के ऊपर लूट के और वेपन इत्यादि के मुकदमे हैं, इलीगल वेपन पोजेशन के, और देवेंद्र और रामू के ऊपर भी लूट के मुकदमे हैं। मैन पावर सप्लाई करने का काम भी क्या ये गिरोह के सदस्य करते थे, कहां कहां करते थे सर ये और बता दीजिए। जी, ये इलेक्ट्रिसिटी की मैन पावर सप्लाई करने का कार्य करते थे, ये उनका फ्रंट था। और विभिन्न प्रोजेक्ट्स में, बड़े प्रोजेक्ट्स में जब ये इनके आदमी जाते थे तो वहां पर जब तार, तांबे का तार वहां पर आ जाता था, इन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद तांबे का तार जब आ गया तो उसके बाद ये अपने गैंग को इसकी सूचना देते थे और वो आकर के उसको लूटपाट करते थे। 64 किलो चांदी की रिकवरी अभी शेष है सर वो? जी, अभी इसमें 3 लोग शेष हैं अभी जो घटना में किसी ना किसी रूप में शामिल रहे हैं और उनके पास से जो भी शेष रिकवरी होगी वो की जाएगी। टीम को सर इनाम? टीम को मेरी तरफ से 1,00,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया गया है। हमारे नागरिकों के मन में ऐसा एहसास है कि कहीं पर गश्त की कमी है, उसको भी हम लोग और बढ़ाएंगे। अगर नागरिकों में ऐसा एहसास है, ऐसा अभी तक कोई फीडबैक इस तक आया नहीं, तो डेफिनेटली वी लुक इनटू इट। Thank you.
इस दौरान गाड़ियों में चेकिंग की संख्या बढ़ जाती है और इसी में कल भी चांदी पकड़ी गई थी जैसे कि 250 करोड़ और जो नियम है कश्मीर में क्या है जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।